जगत से जगदीश बड़ा है। क्रिएशन इज ग्रेटर देन क्रिएटर, नो, क्रिएटर इज ग्रेटर देन क्रिएशन। जिसने बनाया है वो बड़ा है, और इसीलिए जो महापुरुष होते हैं वो भी आप ही की तरह होते हैं, आप ही के बीच के होते हैं, किसी मैया के पेट से आते हैं, कोई उनके भी पिता होते हैं, सभी किसी समाज में, कोई कहीं पैदा हुआ, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं अपने आसपास के, पर उनके भीतर एक कला होती है महापुरुषों के भीतर। वो कला क्या है? तुम योग से भोग की ओर जाना चाहते हो, तुम योग क्यों करना चाहते हो? रामदेव बाबा का योग क्यों करते हो आप लोग? शरीर स्वस्थ हो, थोड़े ज्यादा दिन जियो, इसके लिए ना, पर ये कर क्या रहे हो जी के? इतने ही साल जी के तो इतना अनाचार फैला दिए हो, 5 साल और जियोगे तो क्या करोगे? क्या करना चाहते हो इस लाइफ से तुम ज्यादा 5 साल और लेकर? तुम जो जो चीजें भी बांट रहे हो इस संसार को वही बांटोगे ना? हिंसा बांट रहे हो, ईर्ष्या बांट रहे हो, तकलीफें बांट रहे हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। क्यों? आप समाज से बाहर हो क्या? आपके संतानों में ये सब दुर्भावनाएं नहीं है क्या? आपके संतान मदालसा होके आए हैं क्या? आपके संतान मीरा होके आई है क्या? आपके संतान प्रहलाद होके आई है क्या? आपके संतान ध्रुव होके आई है? कौन है आपके संतान? कौन है? अन्नू मन्नू बिल्लू पप्पू कल्लू कौन है? सीमा बबीता कविता कौन है? ये किसे जन्म दिए? तुमने क्या दिया उनको? तुम्हारे भीतर जो लोभ थे वो लोभ ट्रांसफर कर दिया, तुम्हारे भीतर जो क्रोध थे वो क्रोध ट्रांसफर कर दिया। तुम जैसे बैलों की तरह नौकरी करके जीते रहे और सिखा दिया जीवन को कि मन को मार मार के भी रुपए के लिए कुछ करना चाहिए, वही तुमने सिखा दिया। और तुम कहते हो तुम मेरे बेटे हो, अरे तुमसे बड़ा शत्रु कोई हो नहीं सकता। प्रहलाद ने इसीलिए कह दिया, माता शत्रु पिता बैरी, ये नो बालुन पाटी। वो माता और वो पिता सबसे बड़े शत्रु हैं जिसने अपने बच्चे को ब्रह्म विद्या नहीं दिया। ये जीविका की विद्या देने वाले तुम बहुत बड़े नहीं हो गए? क्या तुमने जीवन की विद्या दी? क्या तुमने कृष्ण पकड़ाया? क्या तुमने राम की शरण में उनका प्रीति लगाया? क्या प्रहलाद और ध्रुव से उन्हें कुछ सीखने की तुमने प्रेरणा दी? जब ध्रुव की विमाता सौतेली मां हाथ पकड़ के और बाहर कर देती है ध्रुव को, और ध्रुव रोता हुआ जाता है अपनी मां के पास, मेरी मां ने, मेरी सौतेली मां ने मेरा बहुत बेइज्जती किया, मैं क्षत्रिय पुत्र हूं, मैं आग लगा दूंगा। क्षत्रिय पुत्र था, क्षत्रिय का अर्थ होता है, सीख लो, जो दूसरों की पीड़ा, दूसरों के दुख को देखकर उसकी सहायता के लिए छत्र बन के खड़ा हो जाए उसे क्षत्रिय कहते हैं। ये शास्त्रीय, शास्त्रीय जब शास्त्र जानते हो तो समझ लेना क्षत्रिय किसको कहते हैं। जो दूसरों की पीड़ा, दूसरों के भीतर जो तकलीफें हैं उन्हें देखकर और छाता की तरह खड़ा हो जाए, मैं हूं आप चिंता मत करिए, वो क्षत्रिय है।